प्रीति की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गांव का खाना जितना सिंपल होता है उतना ही टेस्टी होता है, तो आज हम आपके लिए एक ऐसी ही रेसिपी लेके आए हैं, वो है लौकी जाबर। तो इसको आप लौकी का नमकीन खीर भी बोल सकते हैं, पर हमारे यहाँ लौकी जाबर बोलते हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 1.5 किलो लौकी है, इसको हमने अच्छे से छिलका उतार के धो के और एकदम बारीक बारीक काट लिया है, और ये हम 5-6 लोगों के लिए बना रहे हैं। देखिए हमने सारा लौकी काट लिया, अब हम चलते हैं गैस के पास। अब हम गैस पे पतीला रखेंगे यानी तसली, थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ाएंगे और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच घी। इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। ये हमारा गर्म हो चुका है, हम 2 तेज़पत्ता डालेंगे और 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। और ये हमारा जीरा चटक चुका है, अब हम सारा लौकी डाल देंगे इसमें। और ये देखिए पूरा भर चुका है ऊपर तक, जब ये गल जाएगा तो कम हो जाएगा। तो अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे, पूरा घी जीरा एक में मिक्स कर लेंगे और इसको हम करीब 20 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम आंच पे। अब हम इसको ढक देते हैं और ये देखिए हमारा 20 मिनट हो चुका है, और ये देखिए एकदम गल के थोड़ा हो चुका है, और इसको थोड़ा सा हमने मैश किया है, और ये देखिए एकदम पक चुकी है लौकी। और अब हम इसमें डालेंगे पानी, 3 कप पानी डालेंगे इसमें, 3 से 4 कप, क्योंकि हमें चावल पकाना है तो 3 से 4 कप पानी डालेंगे। अब हम मिक्स कर लेंगे और ये चावल डालेंगे। हमने इसको 2-3 पानी से धो लिया है और ये चावल 1.5 कप है, डाल देंगे और डाल के चलाएंगे। और अब हम इसको पकने देंगे, इसको करीब 4 से 5 मिनट हम अभी पकाएंगे। ढक देते हैं और ये देखिए हमारा 4 से 5 मिनट पकते हुए हो गए। और अब हम डालेंगे इसमें दूध, अभी हम 4 कप इसमें दूध डालेंगे, सारा दूध डाल देंगे। बहुत ही एकदम सादा सिंपल रेसिपी है, पर स्वाद इसका बहुत अच्छा है। फिर हम 1 कप डाल देंगे, फिर हम चलाएंगे इसको और इसको पकने देंगे। और अब हम डालेंगे इसमें 1.5 से 2 टेबल स्पून शक्कर, शक्कर से बहुत टेस्ट अच्छा आता है। और ये हम नमकीन बनाएंगे, क्योंकि ये नमकीन बनने वाला है। शक्कर हमने इसलिए डाला है कि शक्कर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें, और स्वाद एकदम उभर के आता है, तो ज़रूर शक्कर डालें, बहुत अच्छा लगेगा। और अब हम इसको ढक के पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, फिर हम चलाएंगे। और ये देखिए दूध और लौकी चावल एक में मिक्स हो चुका है, और ये देखिए पहले से गाढ़ा हो चुका है, और बहुत ही कम सामानों से एकदम सिंपल तरीके से बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, 2-3 सामान से, और बहुत ही हल्का होता है। और ये हमारा अच्छे से पक चुका है, अब हम गैस को बंद करेंगे। और अब हम लास्ट में एकदम डाल देंगे नमक, और नमक हमेशा लास्ट में डालें क्योंकि दूध फट सकता है। और अब हम इसको चलाएंगे अच्छे से, और अब हम डाल देंगे इलायची पाउडर। ये 4 से 5 इलायची है, इसको हमने कूट लिया था, डाल देंगे और डाल के अच्छे से चलाएंगे। और अब हम डालेंगे 1/2 कप और दूध, क्योंकि हमें थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, डाल देंगे और डाल के मिक्स करेंगे। ये हमारा सादा सिंपल बहुत ही टेस्टी लौकी जाबर बन के तैयार है। और आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप ज़रूर कमेंट में बताएं। बहुत लोगों को लगता है कि दूध में नमक कैसा लगेगा, पर यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है, आप ट्राई करके देखिए। पहले हमारी दादी नानी बनाया करती थी, बहुत प्रेम से लोग खाते थे, और ज़्यादा इसमें कुछ लगता नहीं है, लौकी चावल दूध से फटाक से बन जाता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि कैसा लगा रेसिपी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।